हेलो इन्वेस्टर्स, सब्सक्राइब कीजिए शेयर मार्केट इंडिया चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट स्टॉक एनालिसिस वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, मेरा नाम वैभव है और शेयर मार्केट इंडिया चैनल में आपका स्वागत है। यहाँ पे दोस्तों आपको हम डीप एनालिसिस देने की कोशिश करेंगे। तो देखो दोस्तों, आज हमने गेटवे डिस्ट्री पार्क्स लिमिटेड शेयर का एनालिसिस करेंगे दोस्तों, बाय होल्ड स्टॉप लॉस के साथ। तो दोस्तों, गेटवे डिस्ट्री पार्क्स लिमिटेड का शेयर प्राइस चल रहा है 70.15। एक साल में उसने -3% का यहाँ पे लो दिखाया है दोस्तों, ठीक है। उसका अपर रेजिस्टेंट है 85 रुपीज़ के पास और उसका सपोर्ट आप में दिखाई दे रहा है यहाँ पे तकरीबन 68 के पास, ठीक है। तो देखो दोस्तों, उसका 52 वीक हाई है 87 और 52 वीक लो है 64.20। ओके, उसका मार्केट कैप है दोस्तों 3512 करोड़ का। स्टॉक पी चल रहा है 14 का, हमने डिस्कस किया है दोस्तों। स्टॉक पी अगर आपको 10 या 10 के आसपास या 10 के नीचे मिले तो आप स्टॉक में एंट्री कर सकते हो, ठीक है। बुक वैल्यू चल रही है दोस्तों 33.20 रुपये की और करंट प्राइस चल रहा है 70.30 रुपये का। डिविडेंड देता है दोस्तों ये 1.80 का, फेस वैल्यू है 10 की। देखो दोस्तों, हमने डिस्कस किया है एक या एक से ज़्यादा अगर फेस वैल्यू हो तो आगे जाके आपको स्टॉक स्प्लिट्स या बोनस शेयर इनका फ़ायदा मिल सकता है दोस्तों, लेकिन ये लॉन्ग टर्म में रहता है, ठीक है। तो ये काम क्या करती है दोस्तों, ये काम करती है कंटेनर डेपोट्स और कंटेनर फ्राइट स्टैंड्स स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड अक्रॉस द कंट्री, ऑपरेटिंग अ फ्लीट ऑफ 31 ट्रेन सेट्स अलोंग विथ 500 ट्रेलर्स एंड ट्रांसपोर्ट बिटवीन इट्स फैसिलिटीज ऑफ मेरीटाइम स्पोर्ट एज वेल एज फर्स्ट एंड लास्ट माइल कनेक्टिविटी टू प्रोवाइड एंड टू एंड सोल्यूशन ऑफ एक्जिम इंडस्ट्री। द कंपनी ऑफर जनरल बॉन्ड्स, वेयर हाउसिंग, रेल रोड ट्रांसपोर्टेशन, कंटेनर हैंडलिंग सर्विसेस एंड वैल्यू एडेड सर्विसेस। तो ये काम करती दोस्तों मेनली कंटेनर जो रहते हैं ना बड़े बड़े दोस्तों, उसको ये हैंडलिंग करती है रेलवे का ट्रांसपोर्टेशन और रोड ट्रांसपोर्टेशन के बारे में दोस्तों, ठीक है। तो देखो, इसका हम अगर 200 DMA देखेंगे दोस्तों, तो ये 200 DMA को बहुत ही अच्छी तरह से रिस्पेक्ट कर रही दोस्तों। इसके आसपास ही ये कंपनी साल भर में कंसोलिडेट कर रही दोस्तों, ठीक है। तो हम इसको बाय कर सकते दोस्तों, इसको हम कहाँ बाय कर सकते हैं, इसको हम बाय कर सकते हैं दोस्तों 69 रुपीज़ पे इसको बाय कर सकते हैं। और स्टॉप लॉस लगाने का दोस्तों, यहाँ पे हम यहाँ पे स्टॉप लॉस लगेंगे 65 का और इसका हम टारगेट रखेंगे दोस्तों। पहला टारगेट हम रखेंगे इसका तकरीबन 77 रुपीज़ का, और अगर हम ज़्यादा टारगेट पे इसको अगर बैठे दोस्तों तो 82 तक ये स्टॉक जा सकता है, ठीक है दोस्तों। टारगेट स्टॉप लॉस आप नोट कर लेना, लेकिन ये शेयर के लिए मेरी कोई बाय की राय नहीं दोस्तों। आप खुद भी इस शेयर को अच्छी तरह से एनालिसिस कर लेना और फिर ही आप ये स्टॉक में एंट्री करना दोस्तों, ठीक है। अब इसका काम क्या बुरी बात है क्या अच्छी बात है ये देख लेते हैं। तो देखो, ये इसने कर्जा कम करने की कोशिश किया है। इसका 5 ईयर का CAGR जो कि 41.10 है, ये बहुत बढ़िया है दोस्तों। हमने पिछली बार भी बहुत बार डिस्कस किया है, अगर CAGR 50 के पास हो तो वो गुड CAGR माना जाता है दोस्तों। और उसका डिविडेंड भी बहुत ही हेल्दी है, 18.2 का ये डिविडेंड पे आउट करता है।
उसकी अगर बुरी बात बोले तो प्रमोटर ने यहाँ पे सिर्फ 22.1 का ही स्टेक होल्ड करते हैं दोस्तों, ये थोड़ी बुरी बात है। और इक्विटी लो है 3 साल का 11.2, और लाइबिलिटी इस पे 4634 करोड़ की, ये सबसे बुरी बात है दोस्तों। ठीक है, अभी आगे हम डिस्कस करते हैं और इसका कंपैरिजन की लॉजिस्टिक सेक्टर में, तो इसका छठा नंबर लगता है दोस्तों मार्केट कैप्स के हिसाब से। ठीक है, और इसका अगर क्वार्टर रिजल्ट की बात करें हम दोस्तों, तो देखो क्वार्टर रिजल्ट में इसका सेल्स जून 2022 से सितंबर 2022 तक यहाँ पे बढ़ता हुआ नजर आया दोस्तों। पहले 338 करोड़ का था, वो कि 354 करोड़ का हो गया। ठीक है, और नेट प्रॉफिट की बात करें दोस्तों, तो पहले 56 करोड़ का था, अभी 61 करोड़ का हो गया। ठीक है, और ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट की बात कर लेते, जिससे हमें ये कंपनी के बारे में और स्पष्टता हो जाती है। देखो उसने मार्च 2021 में 1166 करोड़ का सेल्स किया था, जो कि आप देखेंगे दोस्तों इसका ईयर ऑन ईयर जो सेल्स है वो हर दम बढ़ते ही जा रहा है दोस्तों। देखा यहाँ पे सिर्फ मार्च 2022 में इसको 370 करोड़ का हुआ था, क्योंकि कोरोना के कोविड की वजह से, लेकिन मार्च 2021 में जंप करके 1166 करोड़ का हो गया, और अभी मार्च 2022 में 1360 करोड़ का है। ठीक है, यानी इसका सेल्स बहुत ही अच्छा खासा है। और नेट प्रॉफिट भी देखिए आप दोस्तों, तो नेट प्रॉफिट भी यहाँ पे देखो मार्च 2011-12 में 23 करोड़ का था, मार्च 2013 में 28 का हुआ, फिर 14 में 52 का हुआ, 17 में 40 का हुआ, 18 में 83 का हुआ, 2019 में 111 का हुआ, और 20 में घट के 61 का हो गया कोरोना के वजह से, लेकिन और जम करके 94 करोड़ का हो गया, और अभी ये डबल होके 225 करोड़ का नेट प्रॉफिट हो गया। यानी ये बहुत ही बढ़िया प्रॉफिट करने वाली कंपनी दोस्तों, ये हमें यहाँ पे फिगर्स से समझ में आ जाता है। ठीक है, यानी ये कंपनी करने वाली कंपनी दोस्तों। ठीक है, इसका अगर डेबिटर डे देखें, डेबिटर डे भी इसने बहुत ही अच्छी तरह से 40 से 31 दिन तक कर लिया है दोस्तों, ये कंपनी के लिए बहुत ही अच्छी बात रहती। कैश कन्वर्जन साइकिल भी इसका 40 से 31 हो गया है, ये भी बहुत बढ़िया बात है। और आरओसी अगर देखें आप, तो आरओसी भी 10 या 10 से कम या 10 के आसपास ही है, तो स्टॉक में आप जरूर एंट्री कर सकते हो दोस्तों। अभी इसका हम देखेंगे शेयर होल्डिंग पैटर्न, जहाँ पे हमें क्लियर हो जाता है कि शेयर में किस किस का इंटरेस्ट कितना कितना है। तो देखो प्रमोटर्स ने यहाँ पे उसकी जो ये है स्टेक है वो थोड़ा सा यहाँ पे बढ़ाने की कोशिश किया है। ठीक है, क्योंकि उसको डिविडेंड भी मिल जाता है और उसको मालूम रहता है कि अपने कंपनी में क्या होने वाला है। एफआईएस की बात करें दोस्तों, ये इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर रहते हैं, ये अपने जैसे नहीं रहते, ये पूरा एनालिसिस और अंदर की बात सब कुछ इनको पता रहता है दोस्तों, और कंपनी का ग्रोथ भी ये देखते, तो इस वजह से उनका भी स्टेक यहाँ पे देखेंगे तो तकरीबन 16.45 का है। और DIIs यानी अपने म्यूचुअल फंड्स और फंड हाउसेस इंडिया के, तो इन्होंने भी देखा दोस्तों यहाँ पे पहले मार्च 2022 में 32.77 इसका परसेंटेज था, वो बढ़ा के उसने 37.7 का कर लिया, और बाद में अभी और बढ़ा के 37.55 का कर लिया। यानी ये म्यूचुअल फंड वाले अपना म्यूचुअल फंड का पैसा यहाँ पे बढ़ाते जा रहे दोस्तों, और स्टेक बेच खरीदते जा रहे दोस्तों। ठीक है, यानी यहाँ पे आपको दिखेगा क्लियर कट कि जो एजुकेटेड बायर्स रहते हैं वो यहाँ पे इंटरेस्ट ये शेयर को दिखा रहे खरीदने में। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा दोस्तों आपका गेटवे डिस्ट्री पार्क्स लिमिटेड का पूरा शेयर एनालिसिस, डीप एनालिसिस बाय सेल होल्ड के साथ दोस्तों।
तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर इस वीडियो के रिलेटेड कुछ सुझाव हो या सवाल हो तो हमें कमेंट जरूर कर देना दोस्तों। और हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए दोस्तों, ताकि आपको लेटेस्ट स्टॉक एनालिसिस के बारे में नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मिलते अगले वीडियो में, तब तक सीखते रहिए और कमाते रहिए। धन्यवाद दोस्तों।